जहाँ एयरपोर्ट को एक्सटेंशन की बात है भुंतर, उसमें एक दो सर्वे हुए, एक तो कि भाई उस पर व्यासा पे ब्रिज बना दिया जाए और इसको जो है 8 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए, लेकिन इस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया। सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार मांग करते रहे कि आप इस एक्सपेंशन के लिए पैसा दो, ताकि जैसा रानी साहब ने कहा कि बड़ा जहाज 200 सीटर जहाज जो है उसमें बैठ सके, बोइंग बैठ सके, ताकि किराया जो है 600-700 रुपए में किराया में मतलब जो है भाड़ा देके लोग पहुंच सकते हैं। इस मामले में कोई कांगड़ा एयरपोर्ट राजा वीरभद्र सिंह ने बनाया अपने पैसे से, और उसके बाद एक्सपेंशन की बात आई, जयराम जी ने एक्सपेंशन के मामले में कोई मामला, इसमें कोई मामला नहीं उठाया है। और इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, बल का ड्रीम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, सबसे पहले यही कहा था जयराम जी ने, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया। ये प्रश्न तो आपको जयराम से पूछने चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी है, मोदी जी की सरकार है, हम तो पोजिशन में बैठे हैं। तो इसलिए मुझे आपसे निवेदन करना है, हमने कहा था कि ये बल की जमीन उपजाऊ है, वहाँ किसान जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं, सबसे उपजाऊ जमीन है। यहाँ गोगरा धार में 2-3 किलोमीटर का ऐसा स्ट्रेच है, अगर उसको मतलब आप करेंगे, राजा साहब को दिखाया हमने, रानी साहब एम पी थे, मैंने उनको भी दिखाया था, तो अगर उस तरफ अगर जाते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और आसानी से धर्मशाला भी जा सकते थे, उधर से भाई अभी कुल्लू भाया कटौड़ा जा सकते थे, मंडी और चंडीगढ़ जा सकते। तो इसलिए इस दिशा में जयराम सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जहरीली शराब से यहाँ 7 आदमी मारे गए और 12-13 घायल अभी दाखिल है हॉस्पिटल में। मैंने कहा था हाई कोर्ट के जज की इंक्वायरी कराया जाए कि भाई ये 4 साल तक ये सरकार क्या करती रही, ये शराब कैसे बनता रहा, क्या इनकी नजर में नहीं आया 3-4 फैक्ट्रियां शराब की मिली। अब एक ही बात कहते हैं जी, ये अग्निहोत्री के साथ उसका फोटो है, ठाकुर कौर सिंह के साथ फोटो है, आशा कुमार के साथ फोटो है, उसका फोटो तो धूमल के साथ भी है। जिला परिषद का सदस्य लेकर के झुमल को उसने जो है वहाँ इनकी जिला परिषद सरकार बनाई, जिला परिषद बनाई वहाँ। तो इसलिए ये फोटो की बात है, हम ये कहते हैं चाहे कोई भी हो सख्ती के साथ निपटे जाए। क्या सरकार सोई हुई थी? ये फैक्ट्रियां जब है, पालमपुर में फैक्ट्री, हमीरपुर में फैक्ट्री, नालागढ़ में फैक्ट्री, कहाँ से स्पिरिट आता था, कहाँ से ये जहरीली शराब बनती थी, कहाँ कहाँ जाती थी। अब इनको होशाई, जब 7 आदमी मरे, पहले कहाँ था इनका पुलिस डिपार्टमेंट, कहाँ था एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, क्या कर रहा था, यह प्रश्न हम उनसे पूछना चाहते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ पदर डालने के लिए कांग्रेसी थे जी, कांग्रेसी कोई कांग्रेस की पेट्रोल नहीं की, हमने कोई पेट्रोल नहीं दी है किसी को। हमारे साथ तो फोटो जनरल सेक्रेटरी था जिले का, मैं एक शहीद को मिलने गया, एक हमीरपुर का शहीद मरा, मैं उसको मिलने गया, वहाँ वो लोग थे कांग्रेस के लोग, विधायक साहब वो भी, उन्होंने फोटो खिंचवाए, फोटो तो कोई भी खिंचा सकता है। तो इसलिए अब ये करना कि ये इनके साथ है, अग्निहोत्री के साथ है, आशा के साथ है, ठाकुर कौर सिंह के साथ फोटो है, और सिर्फ विक्रमादित्य जी ने ठीक फोटो बताया कि ये देखो धूमल के साथ भी उसका फोटो है, ध्यान बांटने के लिए। तो इसलिए लोगों का ध्यान बांटने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। हम कहते हैं इसमें शक्ति नीचे, चाहे राजनीति है ऊपर उठ करके, ये शक्ति के साथ होना चाहिए। ये तो मतलब बड़ा घिनौनी हरकत है जिसको सरकार रोकने में नाकाम रही है 4 साल, क्या हमारा आरोप है।